Samsung M52 FRP bypass, Samsung A42 FRP bypass, Samsung A40 FRP Google account bypass, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं FRP के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे यूजर जो है नए अपडेट के बाद FRP Google account नहीं बाईपास कर पा रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से Google account बाईपास करना है नए वर्जन में, क्योंकि इस जो है विदाउट PC आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि नए वर्जन का जो पैच सिक्योरिटी है काफ़ी हार्ड है। आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो उसके बाद भी तब पर भी नहीं खुलता, क्योंकि इतनी हार्ड सिक्योरिटी आ गई है। आप अनलॉकिंग टूल से भी खुलोगे नहीं खुलेगा जो है। अब जो है आपको ऑनलाइन बहुत सारे फ़ोन नहीं खुल रहे, क्योंकि IC में जो है, क्योंकि जो है आप डबल ट्रैकर IC रहती है Samsung में, उसकी वजह से बहुत सारे जो है इतने हार्ड सॉफ्टवेयर अभी जो आ चुके हैं और उसके बाद गूगल अकाउंट बाईपास नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आपका फ़ोन M52 या A42 है जो न्यू पैच के साथ गूगल अकाउंट या FRP एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 और जो है एंड्रॉयड 13 जो भी लॉक आ चुका है नए अपडेट के बाद से, उसको किस तरह से अपडेट करना है इस वीडियो कंप्लीट देखिए क्या है प्रोसेस। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा और आपका फाइनली फ़ोन खुलने का प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊँगा और वीडियो भी दिखा दूंगा किस तरह से करना है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका फ़ोन लॉक हो गया है नहीं खुल रहा है अनलॉकिंग टूल से या फर्मवेयर अपडेट कराने के बाद, तो आपको सबसे पहले अपना फ़ोन लेके सर्विस सेंटर निकल जाना चाहिए। वहाँ पे आपका फ़ोन आधार कार्ड या बिल लेके आप निकल जाइए, आपका फ़ोन वहाँ पे चार्जेस लगेंगे, आपका फ़ोन अनलॉक करके दे दिया जाएगा। यदि ये सब करके आपका नहीं खुल रहा है, यदि आप कहीं इधर उधर से पाए फ़ोन है या कोई अनलॉकिंग करा रहे हैं, क्रैक करा रहे हैं, तो इसमें आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो फ़ोन आप लोग जो है जहाँ से आपको मिला है वहाँ पर हैंड ओवर कर दीजिए। और फाइनली उसके बाद आपको यदि अपडेट कराना ही है, फ़ोन को अनलॉक कराना है, तो आप गूगल पे कितने सारे वीडियो भी देखेंगे या यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो आपको अभी जो नए सिक्योरिटी अपडेट आप फ़ोन नहीं खोल पाएंगे, टेम्परेली लॉक ही रहेगा, KG लॉक हो रहा है। आप जो है EMI भी लॉक लोग खुलवाने चले जाते हैं मार्केट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपका फ़ोन दोबारा लॉक हो जाएगा। और आप इस झमेले में मत पड़िए, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है और आपको फ़ोन को यूज़ करना अच्छी तरीके से। आप जो भी अपडेट आया है उसे आप अपडेट कराने के लिए आप अपना सर्विस सेंटर जा सकते हैं, फ़ोन अनलॉक वहाँ पे आप लोग का इजीली करके दे दिया जाएगा। और नहीं तो अभी जो है कुछ ट्रिक मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ, उस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं, उसे भी देख के आप फ़ोन अनलॉक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने कुछ जानकारी दी है जिससे Samsung M52 FRP गूगल अकाउंट बाईपास, M42 FRP, A42 और A14, A15, ये सब सारे, A30, M30, ये सब गूगल अकाउंट बाईपास आप लोग कर सकते हो। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको जानकारी मिली Samsung M52 हाउ टू FRP बाईपास गूगल अकाउंट रिमूव। तो चलिए आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।